मकान की रेखी कर चोरी करने वाले शातिर चोर को जबलपुर के गढ़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए चोर ने गोरखपुर थाना क्षेत्र की 4 चोरी मदन महल, लाडगंज और गढ़ा थाना क्षेत्र की 1-1 चोरियों को करना कबूला है। पकड़े गए चोर की निशानदेही पर पुलिस ने उसके कब्जे से सोने चांदी के जेवर सहित करीब 11 लाख रुपये कीमत का सामान जब्त किया है। कानों में नकबजनी की घटनाएँ देखने को मिल रही थी और पुलिस के लिए एक चैलेंज भी था कि किसी न किसी तरह से ये संपत्ति संबंधी अपराध पर रोक भी लगे। इसी तारतम्य में DSP तुषार सिंह, उनकी टीम, एडिशनल SP संजय अग्रवाल और थाना प्रभारी गढ़ा, उनकी टीम और विशेषकर जो हमारे इसमें ब्रजेंद्र तिवारी, मदन सिंह मरावी, प्रशांत शुक्ला, सचिन मेहरा, अश्विनी द्विवेदी, संतोष जाट, राजेश्वर मिश्रा इन सब एवं हमारे अन्य जो सिद्धांत शक्कर पांडे और रामाकांत मिश्रा, विजय शुक्ला, राजेश शुक्ला, प्रधान आरक्षक ज्ञानेन्द्र पाठक और अजय यादव, इन सब ने विशेष भूमिका निभाकर कुल 7 नकबजनियों का खुलासा किया है। इसमें मुख्य जो नकबजन वो एक ही है जिसका नाम खेमचंद मरावी है, जो उम्र 35 वर्ष का है और जो वर्तमान में कालीमठ थाना मदन महल में रहता है, लेकिन मूल निवासी ये थाना सैपुरा जिला डिंडोरी का है। ये तरीका वारदात थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। इसका खुद का ऑटो है, ये खुद ऑटो चला चला करके कॉलोनीज में जाता था, चाहे वो गढ़ा, गोरखपुर, मदन महल या लॉर्डगंज की कॉलोनियाँ हो, और वहाँ जा कर के नकबजनी करता था। अभी तक इससे 7 नकबजनियाँ जो है वो खुली हैं और 11 लाख का माल मसरूका इसमें जब्त हुआ है, जिसमें कि 161 ग्राम जो है वजनी सोने के जेवर और करीबन 1.5 किलो वजनी चांदी के जेवर जो है अभी तक बरामद हुए हैं। दोस्तों, न्यूज टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।